हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द फ्रेश न्यू व्लॉग। यार बहुत दिनों बाद आज चैनल में फाइनली वीडियो आ रही है। जैसे कि तुम सबको पता है, मैं जून के महीने में सोलो ट्रिप मारने गया था मनाली, और वाला व्लॉगर तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो। पर यार उसके बाद फिर मुझे मेरे दोस्तों की कॉल आने लगी कि मानजू भाई तुम यार अकेले अकेले ट्रिप पे निकल जाते हो, हमारे साथ ट्रिप पे नहीं जाते। तो मैंने कहा कोई नहीं यार, अब फाइनली मैं और मेरे चार और दोस्त यानी कि गर्वित, अनुज, अंशुमन और असद, हम पांचों जा रहे हैं भाई ट्रिप पे। और अब तुम मुझसे पूछोगे भाई ट्रिप पे कहां जा रहे हो, रुको जरा सब्र करो सब बताता हूं। हम लोग जा रहे हैं वैली ऑफ उत्तराखंड, जो कि नंदा देवी नेशनल पार्क के अंदर आता है। और भाई ये बहुत सुंदर जगह है, चारों तरफ फूल ही फूल, इतने प्यारे नजारे। और ये टूर कम से कम हमारा 5 से 7 दिन का टूर रहने वाला है। और इस ट्रिप के एंड होते ही हम तुरंत जाएंगे बद्रीनाथ, क्योंकि वो भी वहां से ज्यादा दूर नहीं है, 20-25 किलोमीटर ही दूर है। और इस ट्रिप की सबसे ज्यादा खतरनाक बात है वो है कि हमें 18 से 20 घंटा लगातार सफर करना है वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हम दिल्ली से ऋषिकेश जाएंगे जिसमें हमें लगभग 5 से 6 घंटे लगेंगे। और उसके बाद हम ऋषिकेश से पकड़ेंगे गोविंद घाट किले पर, जो कि हमें 11 से 12 घंटे में पहुंचाएगी। मतलब लगभग 18 से 20 घंटे का सफर होने वाला है, तो बहुत ज्यादा मजे भी आएंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने रखी है इस सफर के लिए। सबसे पहली चीज जो मैंने सफर के लिए रखी है वो है ये एक ट्रैकिंग बैग। भाई ये ट्रैकिंग बैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम ट्रॉली बैग लेकर ट्रैक तो नहीं कर सकते। और तुम्हें वैली ऑफ फ्लावर तक पहुंचने के लिए एक बेस कैंप जो हमारा घांगरिया रहने वाला है वहां तक के लिए 4 या 7 किलोमीटर का ट्रैक करना अपना पूरा सामान लेके। तो उसमें अगर तुम ट्रॉली बैग लेके जाओगे तो तुम एक तो चढ़ नहीं पाओगे और तुम्हारा ट्रॉली बैग भी आधे रास्ते में टूट सकता है। उसके बाद तुम्हें रखना एक ऐसा बैग जिसको तुम यहाँ पे ऐसे करके टांग सकते हो, जिसमें तुम अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें इमीडिएट यूज करने वाली है वो रख सकते हो, जैसे मेट्रो कार्ड, आधार कार्ड, अपना पावर बैंक, ये सब तुम इसमें रख सकते हो। और अगर तुम हमारी तरह वीडियो शूट करने जा रहे हो तो तुम एक ऐसा ट्राईपॉड लेके जा सकते हो, इसे गोरिल्ला पॉड कहते हैं, 200-300 रुपए का आता है। और एक हमारा ये वाला ट्राईपॉड है जिससे वीडियो शूट हो रही है, ये भी हम लेके जा रहे हैं। इसके साथ हमें कैरी करने के लिए एक ऐसा पाउच मिला है जिसको भी तुम टांग के ले जा सकते हो। इसका बजट कुछ 2.5 से 3 हजार तक, मतलब तुम्हें 1500 के अंडर भी मिल जाएगा ऐसे ही, पर ये 2.5 हजार का है। और यार ऐसा बहुत होता है कि जब भी हम ऐसा हायर ऑल्टीट्यूड के एरियाज पे जाते हैं वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, तो तुम्हें एक सैटेलाइट फोन जरूर रखना है। और मैंने रखा है ये सैटेलाइट फोन, भाई ये पूरे 1.5-2 लाख रुपए का फोन है, ठीक है। और इसमें इतने सारे बटन है, पर 2-3 बटन ही इसमें है जिससे तुम यू नो यूएस की एजेंसी बुला सकते हो, जैसे ऐसे। तो भाई देखो, जब भी तुम किसी इमरजेंसी में फंसोगे तुम्हें इस बटन को दबाना है, और सारी एजेंसी देखो ये पुलिस की लाइट है, सारी तुम्हें बचाने आ जाएंगी भाई, ठीक है। और भाई थोड़ा कूल दिखने के लिए तुम ऐसे सनग्लासेस भी रख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा वहाँ पे ट्रैक हो सकता है, तुम्हें थोड़ी फोटोज खिंचवानी है। और इन सनग्लासेस में तुम्हारी फोटोज बहुत अच्छी आएंगी क्योंकि ट्रैक करके तुम्हारी आंखें पूरी थक चुकी होंगी, तो इन सनग्लासेस से तुम उन आंखों को छुपा सकते हो और बहुत अच्छी खासी फोटोज अपलोड करवा सकते हो। और एक और चीज जो मैं तुम्हें बिल्कुल रिकमेंड करूंगा वो है ये नेक पिलो। भाई तुम इसे खरीद सकते हो 200 से 300 रुपए में अमेजोन या कहीं भी लोकल स्टोर से, क्योंकि भाई 11 से 20 घंटे का सफर अगर तुम ये नहीं लगाओगे तो तुम्हें पता है तुम्हारे गर्दन का क्या हाल हो जाएगा। और हाँ, अगर तुम्हारे भी किसी दोस्त को मोशन सिकनेस है या उसे भी रास्ते में उल्टी आती है तो तुम ये डाइजीन रख सकते हो, बहुत प्यारी चीज है भाई ये। और तुम ऐसी कुछ गैस की और सरदर्द की दवाई भी रख सकते हो ताकि वहां जाकर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हें बहुत ज्यादा लेके जानी है, वो है पैसा। तो इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। गाइस अब सिर्फ 3 घंटे बचे हैं हमारी बस के लिए, और यहाँ पे मैं कुछ शॉपिंग करना है भाई, यू नो थोड़े रास्ते के लिए खाने वाने की चीजें। और अभी मैंने डोरिटोस वगैरह उठा लिए हैं, बाकी चीजें भी ले रहा हूँ यहाँ से। तुम्हारे भी जो ऑन करे तुम उठा सकते हो, अपना ही स्टोर है भाई। ये वाले प्रिंगल्स पहली बार देख रहा हूँ मैंने, ये वाले तो खा रखे हैं पर ये छोटे वाले बढ़िया लग रहे हैं, ये भी उठा लेते हैं कोई नहीं। फाइनली यार अब ट्रिप की टाइमिंग आ चुकी है, रात के 9 बज रहे और मैं निकल रहा हूँ घर से भाई, सारा सामान पैक हो चुका है। तो अभी बज रहे हैं 9:30 और हम सब निकलने वाले यहाँ से, हम सारे मेट्रो मिलेंगे कश्मीरी गेट के सारे दोस्त। कुछ लोग ओला से आ रहे हैं, कुछ लोग मेट्रो से आ रहे हैं, कुछ लोग अपनी कन्वेंस से आ रहे हैं। तो मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है, मैं एक बैग ले जा रहा हूँ, एक ट्रैक बैग ले जा रहा हूँ और एक ये नेकलेस करके नेक पिलो करके जा रहा हूँ। गर्वित मुझे शाहदरा मेट्रो पे मिलेगा और बाकी लोग सीधा मुझे ISBT मिलेंगे। तो अब सीधा चलते हैं, घर वालों को बाय बाय कहते हैं और बेस्ट विशेस लेते हैं। गाइस पापा आ चुके हैं भाई, पापा क्या कहना चाहते हो ट्रिप के बारे में? विश हैप्पी जर्नी, ऑल द बेस्ट। आपका क्या कहना है ट्रिप के बारे में? एंजॉय करियो बहुत ज्यादा, ऑल द बेस्ट। मम्मी आपका? ऑल द बेस्ट बेटा, ध्यान रखियो, फोन करते रहना, हमें चिंता खाएगी तेरी। बाय 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 बाय। गाइस पापा ने छोड़ दिया मेट्रो सारा सामान, बाय बाय। गाइस निकल चुके हैं ट्रिप के लिए फाइनली भाई, वो इस ट्रिप फाइनली वो हो गई, क्या कहते हैं रियलिटी हो गई। अभी मैं निकल रहा हूँ भाई कश्मीरी गेट के लिए, मेट्रो चढ़ूंगा उसके बाद सीधा पहुंचूंगा शाहदरा, शाहदरा गर्वित से मिलूंगा और हम दोनों जाएंगे फिर कश्मीरी गेट। भाइयों जा रहे हैं भाई, पहुंच चुके इतना सारा सामान अपने साथ, और ये रहा भाई स्टेशन, यहाँ से चढ़ेंगे सीधा कश्मीरी गेट के लिए मेट्रो के लिए और फिर जाएंगे भाई फाइनली बॉयज ट्रिप में। रात हो रखी है, पूरा मेट्रो खाली पड़ा है, पूरा सुनसान हो रखा है भाई। मेट्रो पहुंच चुका हूँ मैं और मैं वेट कर रहा हूँ हिमांशु का, वो मुझे शाहदरा मिलेगा, उसने मुझे बोला था है मुझसे कोई स्मार्ट। फैसला तुम करो कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा हूँ या नहीं हूँ, ये देखो।
बोला यार रास्ता में ही गाड़ी चलाओ सही बोला। चाचा अरे यार कुछ बोल रहे गाड़ी चलाओ सही रास्ता में भीड़ यार बताओ क्या चाचा चाचा कह रहा था बोलत नहीं मैं गेट आ चुके हैं अंजुमन भाई मिलेंगे अंजुमन भाई गैंग मीटअप लिल गैंग मीटअप बंदे मिल चुके हैं दो नीचे मिलेंगे चलो भाई अब और बंदों का वेट करते हैं और सब आते हैं और वैसे हम कश्मीरी हेट आ चुके हैं वो ये रहा ये हमारी शिव बच्ची हो बस टर्मिनल के अंदर भाई अभी ये रे यहाँ पे सामान वामान रखती है सदर अनुज का वेट कर रहे हैं क्या कहना चाहोगे अंजुमन भाई भाई टाइम से आने वाले तो एक ही लड़का है भाई मजा आ रहा है जो दिखता नहीं है भाई यहाँ पे फ्लेक्स बस के लिए वेट कर रहे हैं साले तीन बंदे आए नहीं है और बस बाहर खड़ी है पांच बंदों के लिए सिर्फ अभी सब बात छोड़ो अच्छा लग रहा होगा भाई हम तो बेचारे नहीं यार बढ़िया लग रहा है पर हाँ भाई टाट तो बहुत अच्छी सेट है अब इनकी तो देखो आती नहीं है इनकी तो आती नहीं है भाई आती है रखी भाई इसे दाढ़ी नहीं है तो इसे क्या कहते हैं टू पीपल भाई लेट कर दिया यार सारे बंदे आ गए भाई मैं सामान दिखाता हूँ हमारे पास टोटल 12 बैग हैं इधर अभी बस का वेट कर रहे हैं बस 5-10 मिनट में बस आ रही है ये देखो भाई एक्टिंग कर रहे हैं अपने भाई हमारे पत्रकार साहब आ गए बस आ चुकी है हमारी फाइनली जा रहे हैं देखते हैं इसमें से कौन सी बस है हमारी क्या बस में अजत भाई ये रहे अनुज भाई गर्वित भाई कुछ बंदे आप अपनी बंदी से बात कर रहे हैं कुछ बंदे आप पे मरे पड़े हैं कुछ बंदे आप पे कैमरा चला रहे हैं कुछ बंदे अकेले बैठे हैं गाइस सक्सेसफुली पहला दिन सही जा रहा है बस रुकी हुई है होल्ड पे भाई वॉशरूम ये देखो पीछे एक किसका बच्चा चिंपांजी नाच रहा है पहली बार उसको अभी हम मुंह साथ में गर्वित भाई के अंदर का भूत जाग गया अबे साफ कर ले कैमरा गर्वित को पहली बार रिकॉर्ड खराब है वो दिल दा नहीं माड़ा बादल ले धुड़क 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 भाई हम होटल में पर होटल का नहीं खा रहे अपने घर का खाना लाए भाई सारे घर का खाना भाई देसी है भाई दिखा दे भाई इधर मत छुपा अरे अंधेरा हो रखा है दिखेगा नहीं तू मैं लाया भाई आलू के खुटके भाई जीरा आलू असद लाया भिंडी असद लाया भिंडी पहुंच चुके ऋषिकेश नेपाली बस स्टैंड भाई बहुत सुबह 4 बजे छोड़ दे इसने यहाँ से हमें जाना है बस स्टैंड ऋषिकेश वहाँ से पकड़ने गोविंद घाट वाली बस वाली गाड़ी के अंदर ऐसा लग रहा है पकड़ लिए गए लड़के भाई सारे बंदे यहाँ पे हैं भाई पहुंच चुके ऋषिकेश बस स्टैंड 6 बजे की हमारी बस है और अभी चाय पी रहे हैं भाई बढ़िया सी अभी दूध वाली दूध मेरा ऋषिकेश बस स्टैंड भाई चेक करो भाई व्यू आ गया अब चल रहे हैं आगे तो भाइयों हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश अब यहां से गोविंद घाट के लिए निकल चुके हैं
बाबा इधर हैं, बाकी के शेर ये रहे। सर एक्सक्यूज मी, आप ही की बात हो रही है। दिस इज अंशुमन, हमारे भाई हिमांशु सर। हिमांशु सर देखो, और व्यू देखो। वैसे गाइस हम रुके हैं कहीं पे श्रीनगर के आगे उत्तराखंड के, और भाई हमारी हालत बहुत खराब हो रखी है, लेकिन भाई व्यू वर्थ इट है। व्यू वर्थ इट है, व्यू दिखाता हूँ। पर भाई हालत देख लो भाई, बहुत थक चुके हैं भाई। इतना मतलब 12-20 घंटे से सफर कर रहे हैं अभी भाई, दो पहाड़ी शेर, अभी 6-7 घंटे और सफर करना है। बॉडी ऋतु चेतक बॉडी के है गे, अरे बॉडी ऋतु चेतक बॉडी की है गे। देखो एक बार भाई क्या प्यारा व्यू है भाई, क्या प्यारा पानी वानी। और ये व्यू खराब, इतनी बढ़िया नहीं है ये वाली, पर खाने लायक है। हल्की फुल्की घर में इतना पराठा लिया अलग से। उधर हमारा सफर होता हुआ, हमने सारे शेर सो रहे हैं, तो पहाड़ी शेर हो गए ढेर, पहाड़ी भाई साथ साथ हो गए, और किंग की जगह हुए अभी हम सफर का एंजॉय। भाई कहाँ जा रहे हैं? नाटक नहीं पता है, नहीं होटल में हमने दो कमरे लिए। इस होटल में इतना थकान भरा सफर था ना, मतलब पैसों भी इतने थक गए। तो होटल आए 5:30 बजे, होटल पहुंचे, थोड़ा रेस्ट किया, नहाए धोए, और देख सकते हो अभी हल्के से ड्रायर मारा है, और उसके बाद अभी हल्की फुल्की चाय पीने जा रहे हैं, और उसके बाद रात को डिनर करेंगे। तो मैं कमरे भी दिखाता हूँ, हमने दो कमरे लिए साइड साइड के, उसके बाद फिर तुम्हें एक बार रूम टूर भी देता हूँ, और पहले चाय पीने चलता हूँ, उसके बाद देखते हैं सारी बातें। अनुज भाई ये रे भाई, और गर्वित भाई स्किन केयर कर रहे हैं, स्किन केयर करते हैं पकड़ लिया गर्वित भाई को हमने। पर यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे नेट की दिक्कत है, ना वाईफाई है, बहुत मुश्किल तो आ रहा है उस खिड़की के पास जाके, और वाईफाई है नहीं यहाँ पे। और कमरे की बात करो भाई, देखो ऐसे कमरे हैं, एक ही है कमरा, कमरा तो बढ़िया है भाई। ये ऐसा डबल बेड है, यहाँ पे टीवी तो चलती नहीं है, और ये रहा प्राइस, वो हमें स्पॉन्सर हुआ है कमरा, गर्वित भाई का नाम चल गया इधर। 1000 रुपए का कमरा भाई, ये देख लो बढ़िया है, 1000 रुपए का, 1000 रुपए का तो 2000 के पड़े में बढ़िया। अगली सुबह निकल लेंगे यहाँ से हम, और अब चलो बाहर चलते हैं चाय वाय पीते हैं। भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ होटल कैसा है, तुम्हें तो अंदर का कमरा दिखा दिया, बाहर का व्यू दिखा दो, इतना प्यारा व्यू है भाई। देखो ये देखो भाई व्यू, क्या प्यारा व्यू है भाई होटल के बाहर भाई, मतलब मजा आ गया भाई ये व्यू देख के यार। ऊपर पहाड़ इतने प्यारे, इतनी ऊपर तक, और नीचे भाई नीचे नदी। अभी हल्का सा अंधेरा हो गया, नहीं तो अभी जब 5 बजे पहुंचे थे ना, धूप में बढ़िया लग रहा था देखने में। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं गोविंद घाट, और हमें यहाँ पहुंचे हुए 2 घंटे लगभग हो चुके हैं। हमने होटल भी ले लिया, और अभी हल्का फुल्का नहा धो के रेस्ट करके हमें साइड में कुछ चाय ब्रेड पकौड़ा वगैरह खाना है। देख लो इनकी हरकतें भाई, अनुज भाई हमारे फोन से कैमरा शूट कर रहे हैं एक बार। भाई दुकान भी बढ़िया है, दुकान भी दिखा दो भाई, प्यारी दुकान है, सारे अपने उत्तराखंड के लोग हैं भाई, प्यारे प्यारे। 5 चाय और 5 ब्रेड पकौड़े ऑर्डर करा, बहुत खतरनाक सफर था। मतलब पहले तो हमने हार मान ली थी, हमने कहा रुक रुक के जाएंगे, अब वापस चल लेते हैं, पर उसके बाद धीरे धीरे कर करके टेढ़ा टेढ़ा लेट लेट के घुटने ने जवाब दे दिया। पूरी रात तगड़ा सोएंगे खाना खा के, और अगली सुबह मिलता है आपको सरप्राइज प्लान के साथ, क्योंकि कल हमें शायद से पहले गांगरिया निकलना पड़ेगा, और उसके लिए हमें यहाँ से प्राइवेट टैक्सी लेनी पड़ेगी। तो बने रहो ब्लॉग में, आज रात का ब्लॉग भी देखना भी पूरा। गाइस ब्रेड पकौड़े आ चुके हैं, चाय आ रही है बस, और भाई के अंजुमन भाई ये 2 बॉडी का कैमरा लेके आए, ये अपनी मम्मी की शादी का कैमरा लेके आए भाई। अब एक बार पूछते हैं भाई, सबका सफर कैसा कैसा था डे 1 का, तो अंजुमन से तो स्टार्ट नहीं करेंगे। मुझे अपने घर जाना है। ओए पापा जी, पूरे 12 घंटे का अंडे वाला बर्गर डायमंड जैसे संभाल के रखना, आराम से प्यार का एप्पेटाइजर चखना।
लेमन जैसे संभाल के रखना, प्यार का एप्पल टाइजर चखना, और किसी पे गौर न कर, मेरे पास तो बोल मुझे तू मखना। जनता अपन को अब रब से भैया ऑर्डर आया, आपको ऑर्डर आया। बिना डर के खोले कुड़िए, बिना डर के खोले कुड़िए, बिना डर के खोले कुड़िए, सब कहीं न कहीं सारे दारू बंदे नाम कर दी, नाम कर दी ए तानियां ते ना बेकार, दारू बंदे नाम कर दी, नाम कर दी ए तानियां ते ना बेकार। दूर दूर जावे तेरे काले रंग तो, काले तेरे पास दूर दूर जावे तेरे काले रंग तो। लगभग रात के 9 बज गए और हम जा रहे हैं खाना खाने। बहुत 12-13 डिग्री है टेम्परेचर, पानी की आवाज आ रही है, पानी की आवाज आ रही है यहाँ पे, पूरा साला कुछ देख नहीं रहा पर पानी बह रहा बढ़िया नदी यहाँ से। आफ्टर हैविंग फन हम खाना खाने आ गए। पर भाई पहाड़ों में आओगे और खाना अच्छा नहीं होता। आई एम सफरिंग सोएगा ज्यादा बढ़िया भी भुवन घाट का एक्सपीरियंस लगा नहीं भाई, तुम्हें सही बता रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल नहीं है भाई और होटल वाले भी ज्यादातर वाईफाई दे ही नहीं रहे, मतलब तुम्हें बाहर आकर यू नो रोड पे आकर बात करनी पड़ रही है, और अब रात हो गई तो तुम बाहर भी नहीं जा सकते, यहाँ पे तुम्हारा वो भी नहीं है अपना सिम करके नेटवर्क भी नहीं आ रहा, उसके बिना भी तुम्हें रहना पड़ेगा, और रात को तुम बाहर आ नहीं सकते क्योंकि बाघ बाघ का डर है। तो भाई यहाँ से कल चेंज करेंगे हम, घांगरिया जाएंगे, वहाँ देखते हैं वहाँ कोई अगर ये दिक्कत रही तो या तो होटल को फोर्स करेंगे भाई हमें वाईफाई चाहिए, तभी होटल लेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या बैठेगा। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।